हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपका अपना प्यारा चैनल इंटीरियर सोल्यूशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फेविकॉल चैम्पियनशिप क्लब का जो पॉइंट है उसको अमेज़न पे में किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा जानकारी मिले। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि इस तरह का हेल्पफुल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको फेविकॉल चैंपियनशिप क्लब को ओपन कर लेना है। एंड ये ओपन हो जाने के बाद थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अमेजन पे गिफ्ट कार्ड, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप क्लिक कीजिएगा। ये वाला पेज थोड़ा खोलने में टाइम लगता है, तो ये पेज खोलने के बाद ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर लिखा है अमेज़न पे ई गिफ्ट कार्ड, उसको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा रिडीम। आप सीधा रिडीम में क्लिक कीजिएगा। रिडीम में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे जो है यहाँ आ जाता है टोटल पॉइंट आपका कितना है, आपका मोबाइल नंबर एंड अमाउंट, जितना अमाउंट आप अमेज़न में ट्रांसफ़र करना चाहते हो उतना अमाउंट यहाँ पर नीचे डाल देना है। जैसे यहाँ पर 100, 500, 1000, 2000, 5000 लिखा हुआ है। अगर आप 150, 250, 350 करोगे तो ये भी कर सकते हो। नीचे आपको जस्ट रिस्क का यहाँ पर टाइप कर देना है। तो हम यहाँ पर अभी 2000 पॉइंट रिडीम करेंगे, तो मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ कि किस तरह से अमेज़न पे में पॉइंट को रिडीम किया जाता है। एंड यहाँ पर देखिए 2000 में हम क्लिक करके जो नीचे सबमिट बटन है यहाँ पर सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर लिखा है प्लीज़ चेक बिफोर अ कन्फर्मेशन, तो यहाँ पर जो आपका नंबर जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है फेविकॉल चैंपियनशिप क्लब में, उस नंबर में एक तो OTP आएगा, वो OTP को आपको डाल देना है। तो OTP डालने के बाद आपका देखिए OTP को पहले डाल देना है यहाँ पर क्लियरली करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। करने के बाद एक तो मैसेज आ जाएगा संग संग। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ टाइम लेता है, तो थोड़ा धीरे धीरे आप कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो ये हो चुका है, यहाँ पर दिखा रहा है सक्सेस, योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस सक्सेसफुली, यू विल गेट द वाउचर विद इन 30 मिनट, मतलब 30 मिनट के अंदर फेविकॉल का जो है वाउचर आ जाता है। तो देखिए 30 मिनट बोलता है लेकिन ये संग संग आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए डीआर पीडी लाइट FCC मेंबर ऐसा लिखा हुआ है कंग्रेचुलेसन। तो ये गिफ्ट कार्ड रिवार्ड, तो गिफ्ट कार्ड नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। एंड जो मेन पिन है ये जो लिखा हुआ देखिए गिफ्ट कार्ड पिन इज़ ZA45RH7DDH, तो इस तरह से जो है एक तो मैसेज आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इसका जो वैलिड है 2024 29 7 2024 तक, मतलब एक साल का जो है लगभग वैलिडिटी यहाँ पर देता है। अमाउंट जो है यहाँ पर 2000 INR। तो ये पूरा हो गया है, अब आपको सीधा अमेज़न में चला जाना है। अब अमेज़न में दोस्तों जाने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर जो नीचे देखिए लिखा हुआ है अमेज़न पे, ये अमेज़न पे में आपको सीधा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन है अमेज़न पे बैलेंस, तो मेरा अमेज़न पे बैलेंस जो है 86 रुपीज़ है। तो हम यहाँ पर जो 2000 रुपये रिडीम किया उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए स्टेप बाई स्टेप आप देखते रहिए, आपको पूरा जानकारी आराम से मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो है पहले वेरीफाई कर लेना है आपका मोबाइल नंबर को। तो वेरीफाई करने के लिए दोस्तों आपका मोबाइल में SMS बैलेंस रहना ज़रूरी है, कि जो नंबर में आपका SMS आएगा उसमें SMS बैलेंस रहना ज़रूरी है। तो देखिए मेरे पास SMS बैलेंस नहीं है, तो दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी एक ऑप्शन से कर लेता हूँ। नीचे जो है ये कंटिन्यू ऑप्शन में हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, योर मोबाइल वेरीफिकेशन हैज़ बीन फेल्ड। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका SMS बैलेंस रहेगा तो वहाँ पर OTP डालने के बाद ही ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो मैं और एक दूसरा ऑप्शन भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे में देखिए एक तो ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा कि एकदम नीचे में हैव एन अमेज़न पे गिफ्ट कार्ड, ऐड इट टू योर अकाउंट। तो ये ऐड इट टू योर अकाउंट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए गिफ्ट कार्ड कोड, जो गिफ्ट कार्ड फेविकॉल चैंपियन से आपको भेजा है वो गिफ्ट कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है दोस्तों। दोस्तों बहुत ही आसान है ये
प्रोसेस। तो लेकिन इसमें ये प्रोसेस होने से पहले आपका फेविकॉल चैम्पियनशिप क्लब में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, और फेविकॉल चैम्पियनशिप क्लब में किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए इस तरह से जो है यहाँ पर गिफ्ट कोड को टाइप कर देना है, गिफ्ट कोड जो है यहाँ पर कॉपी नहीं हो सकता है तो आपको देख देख के इसमें टाइप कर देना है। देखिए ये कोड जो है अप्रोक्स टाइप हो चुका है, होने के बाद ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस में क्लिक करना है। करने के बाद देखिए संग संग जो है गिफ्ट कार्ड एडेड सक्सेसफुली, ये जो है फटाफट जो है ये ऐड हो जाता है। अब मैं आपको बैलेंस भी दिखा देता हूँ, मेरा पहले 86 रुपीज़ था, तो यहाँ पर देखिए एडेड अमेज़न पे गिफ्ट कार्ड ये सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं होम पेज में जाकर भी दिखा देता हूँ आपको, देखिए अमेज़न पे बैलेंस यहाँ पर देखिए 2086 2086 रुपया मेरा यहाँ पर बैलेंस आ गया है। अब दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये बैलेंस को यूज़ करके आप किस तरह से शॉपिंग कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों मैं एक स्मार्ट वॉच को ख़रीद के आपको दिखाऊँगा। देखिए मैं एक तो स्मार्ट वॉच ऑलरेडी सिलेक्शन करके रखा था ऐड टू कार्ट में, तो वो ऐड टू कार्ट में जाके फिर देखिए यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्शन किया हुआ है, तो उसको क्लिक करके मैं आपको परचेस करके दिखाता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट आ चुका है। अब जो कलर लेना है यहाँ पर, जैसे हमको डीप ब्लू लेना है तो डीप ब्लू यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया हम। तो करने के बाद नीचे जाके देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ पर आपको क्लिक करना है। बाय नाउ पर क्लिक करने से देखिए इस कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ये एक तो कंटिन्यू विथ प्राइम, मतलब प्राइम मतलब होता है कि एक दिन बाद ही गिफ्ट आपका जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आप कर सकते हो, नहीं तो नो थैंक्स में आप क्लिक कर दीजिएगा। नो थैंक्स क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आ गया है शॉपिंग टू, मेरा नाम, ये मेरा एड्रेस, आइटम सब आ गया है, प्लेस योर ऑर्डर यहाँ पर आ गया। वन टाइम पासवर्ड रिक्वायर्ड एट टाइम ऑफ डिलीवरी, तो ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुल हो चुका है, और जो ऑर्डर हुआ है वो अमेज़न पे का जो बैलेंस है ऑलरेडी कट चुका है। एंड जब डिलीवरी आएगा तो एक तो वन टाइम पासवर्ड आपको मेल कर देगा, वो पासवर्ड को आपको डिलीवरी बॉय को दे देना है। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से फेविकॉल चैम्पियनशिप क्लब का पॉइंट को अमेज़न पे में ट्रांसफ़र किया जाता है, एंड पॉइंट के यूज़ करके किस तरह से अमेज़न में प्रोडक्ट को परचेस किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, एंड वीडियो के बारे में कुछ जानकारी हो तो कमेंट्स कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि इस तरह का हेल्पफुल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।